हिंदूज की कैटेगरी या इनके स्कोप में हम किन लोगों को ऐड करते हैं कौन से ऐसे पर्सन हैं जो हिंदू कहलाए जाएंगे दैट टर्म इज़ नॉट यू कैन से अ फिक्सड टर्म बट येस वी कैन इंक्लूड सर्टेन पीपल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड प्लीज़ रीड दिस डेफिनेशन विद मी मेनटेन योर नोट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड बिकॉज दिस डेफिनेशन कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू विच यू कैन से यस दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ हिंदू और दैट पर्सन कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ हिंदू और नॉट अगर वो पर्सन हिंदू कैटेगरी में आता है देन येस ऑफ कोर्स वो हिंदू लोगों के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा उसके साथ जो भी उसने ट्रांजेक्शन की होंगी वह हम हिंदू कानून के अकॉर्डिंग ही उसको देखेंगे सो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन गेट इन टच विद अस this is our official mail address and this is our contact number don't feel any hesitation to contact with us to give your doubts we are there for you and now coming to this term hindu section 2 of hindu marriage act 1955 provides that the act applies to the persons listed below and similar provisions are also made in other enactments of hindu law ये पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है कि अगर देखा जाए हिंदू वर्ड की डेफिनेशन प्रॉपर हमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में गिवन है अंडर सेक्शन टू बट जो ये डेफिनेशन हिंदू की गिवन है ये सेम डेफिनेशन अदर इनेक्टमेंट्स ऑफ हिंदू लॉ में भी एप्लीकेबल है अदर इनेक्टमेंट्स कौन सी हुई हिंदू एडोपन एक्ट माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट राइट तो जो भी अदर एक्ट्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू एडोप्शन एक्ट सब में यही डेफिनेशन हिंदू की हम लेकर चलेंगे और उन्हीं लोगों को हम हिंदू मान के चलेंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नाउ वट आर दोज पीपल सो दिस टर्म अप्लाइज टू द पीपल नंबर वाइज सो फर्स्ट गिवन इज एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट जो अपना धर्म हिंदुत्व को मानते हैं हिंदू इज द पर्सन हु इज़ बाय रिलीजन हिंदू ठीक है ना जो अपने धर्म से हिंदू हैं इंक्लूडिंग अ विराश्व अ लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज जो भी पीपल इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं सॉरी uh, इन धर्मों को फॉलो कर रहे हैं इन एक्चुअली द दीज थिंग्स फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज और आर्य समाज लिंगायत एंड वैश्य दीज आर द पीपल एक्चुअली हु फॉलो द रिलीजन ऑफ हिंदू एंड पर्सन हु आर फॉलोइंग दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ हिंदू दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट देन द नेक्स्ट इज एनी पर्सन हु इज़ बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन हिंदू वर्ड की कैटेगरी में सिर्फ वही लोग नहीं आएंगे जो धर्म से हिंदू हैं

सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये दो कैटेगरी आपने देखी नेक्स्ट कैटेगरी ऐसे कह रही है एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया जो इंडिया में डोमिसाइल रखता है जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है रह रहा है लेकिन वो बाय रिलीजन या बाय हिज यू कैन से स्टेटस ही इज़ नॉट अ मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यू बाय रिलीजन ठीक है ना धर्म से वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए पारसी नहीं होना चाहिए एंड ज्योश नहीं होना चाहिए सो so, ये चार लोग जो है इनके ऊपर इनके अकॉर्डिंग जो लॉज है वो एप्लीकेबल होते हैं लाइक मुस्लिम जो लोग होते हैं उन पर मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता है क्रिश्चियन पारसीज पर उनके रिस्पेक्टिव लॉज अप्लाई होते हैं अदर पीपल हु आर नॉट दीज एंड बट दे आर डोमिसाइल इन इंडिया इवन दो उन पर भी हिंदू लॉ ही एप्लीकेबल होगा सो ऑल्दो दे आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव रिलीजन स्टिल दे आर ऑल्सो नॉट दीज पीपल इन दी कैटेगरीज ऑफ दिज रिलीजन दे विल भी ट्रीटेड अंडर हिंदू लॉ अनलेस लेकिन यहाँ पर यह एक्सेप्शन देख कर चलिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न बाई हिंदू लॉ ये अगर प्रूव नहीं है कि उसको स्पेसिफिकली हिंदू लॉ की कैटेगरी से हटाया गया है या फिर कस्टम या यूसेज ऐसा है कि उस पर हिंदू लॉ कभी भी अप्लाई नहीं होगा देन दैट इज डिफरेंट थिंग अदरवाइज they will also come under the category of Hindu. Now, fourth category is Hindus domiciled in the territories to which the Act extends. ऐसे लोग जो कि ऐसी टेरिटरीज में डोमिसाइल रखते हैं जहाँ पर भी ये एक्ट अप्लाई होता है बट हु आर आउटसाइड सच territories. ओके आउटसाइड द territories हैं अभी बट स्टिल अगर वो यहाँ होते तो उन पर यह लॉ एप्लीकेबल होता तो उन लोगों को भी हम हिंदू की कैटेगरी में डालते हैं सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन टू इन डिटेल कमिंग टू द समरी ऑफ दिस सेक्शन टू इस पर ध्यान डालिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सेक्शन टू की समरी देखे और यहाँ पर अगर एक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो हु आर द पीपल हु कम अंडर हिंदू या हु इज अ हिंदू सिम्पल इफ एनी बडी आस्ट यू दिस क्वेश्चन सो वट विल यू से दैट हिंदू इज अ पर्सन

ओके okay, अगर कोई भी ऐसा चाइल्ड है चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो इस इन इन वर्ड्स की भी मैं आपको मीनिंग जो है डिटेल में समझाऊंगी अभी जस्ट फॉर द सेक अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म ट्राई टू रीड दीज टर्म्स लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट देयर चाइल्ड बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स जो हैं वो ये धर्म का पालन कर रहे हैं और यू कैन से एनी चाइल्ड जिसमें सिंगल पेरेंट अगर इन धर्म से बिलोंग करता है तो एनी चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स सिंगल मदर हो या फादर हो एक होना जरूरी है हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख प्रोवाइडेड वन मोर थिंग सच चाइल्ड इज अप एज द मेम्बर ऑफ द ट्राइब जो वो पर्सन है जो वो चाइल्ड है वो अकॉर्डिंगली उसी धर्म में उसका पालन पोषण हो रहा हो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है इसको देखिएगा सो व्हाट दिस केस वाज अबाउट मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी मेनका गांधी एंड इंदिरा गांधी आई होप आपको ये गांधी फैमिली का एक ट्री uh, समझ में आ रहा है दोज हु हैव नॉट हैव एनी है अबाउट द गांधी फैमिली गो एंड सर्च द फैमिली ट्री ऑफ दिस गांधी फैमिली तो यहां पर कौन था इफ आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू व्यू जवाहरलाल नेहरू थे हमारे उनकी डॉटर रही हैं इंदिरा गांधी राइट right? तो जो इंदिरा गांधी थी इनके जो हस्बैंड थे दैट वाज फिरोज गांधी एंड दिस पर्सन फिरोज गांधी जो थे इंदिरा गांधी के हस्बैंड, ही वाज अ पारसी ओके okay, ये पारसी थे इंदिरा गांधी हिंदू थी तो इनके जो आगे जनरेशन आई हु गांधी एंड संजय गांधी ये दो इनके सन रहे हैं राजीव गांधी एंड संजय गांधी तो यहाँ पर क्या केस था कि जो संजय गांधी हैं मीन्स द सन ऑफ इंदिरा गांधी संजय गांधी के जो फादर हैं फिरोज गांधी दिस वॉज अ पारसी ये पारसी हैं और इनकी मदर जो इंदिरा गांधी है वो हिंदू है तो इनकी जो यू कैन से इनके स्टेटस पर क्वेश्चन था कि वेदर हम संजय गांधी को हिंदू इंक्लूड करें हिंदू में या ना करें ये हिंदू हैं या नहीं है तो इस पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल जजमेंट आई थी और क्या आई थी एज दिस सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल से यही बता रहा है कि दोनों पेरेंट्स में से अगर एक भी हिंदू जैन बुद्ध या सिख है प्लस उस चाइल्ड का जो पालन पोषण है जो ब्रॉटअप है वो उसी रिलीजन के थ्रू किया गया है उस ट्राइब से बिलोंग करके किया गया है तो उसको हम हिंदू में ही रखेंगे तो इसका जजमेंट में यही आया कि मदर जो थी वो हिंदू थी कोर्ट हेल्ड दैट जो संजय गांधी है वो हिंदू हैं बिकॉज वन ऑफ हिज पेरेंट्स नेमली कौन मदर इंदिरा गांधी वो हिंदू रही हैं एंड शी हैड ओपनली अप संजय एज अ हिंदू और उन्होंने जो संजय गांधी है उनका जो पालन पोषण किया वो एक हिंदू तरीके से ही किया है उसी ट्राइब में रहते किया है वो पारसी फैमिली के उन पर कोई भी या पारसी यू कैन से ट्राइब या कम्युनिटी का उन पर कोई इफेक्ट नहीं रहा है

हु इज़ द कन्वर्ट और रिकन्वर्ट ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हम लेकर चल रहे हैं कि हिंदू टर्म में कौन कौन पर्सन इंक्लूड होता है तो ये नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल है जो हम हिंदू uh, में जिनको इंक्लूड करेंगे एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख रिलीजन ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं करते हैं बहुत लोग तो अगर वो दूसरे धर्म से हैं और उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है हिंदू बुद्धिस्ट जैन या सिख रिलीजन में तो वो भी हिंदू टर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं एंड इंटेंशन टू बिकम अ हिंदू ए कंपनीट बाय द कंडक्ट आपकी इंटेंशन होनी चाहिए आपके कंडक्ट से ऐसे लगना चाहिए कि आपकी इंटेंशन इतनी सफिशेंट थी दैट येस नाउ वी कैन एक्सेप्ट यू एज एन हिंदू एक केस रहा है बहुत बढ़िया रमन नदार वर्सेस स्नेहपू गो एंड बॉ और यू कैन रेड अबाउट दिस केस तो आपको इससे समझ में आएगा कन्वर्जन के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यू हैव टू टेल एवरी वन इवन आपके कंडक्ट अन इक्वी वॉकली एक्सप्रेसिंग योर इंटेंशन से भी पता लग जाता है दैट नाउ यू आर फॉलोइंग सर्टेन रिलीजन एंड दिस इज इनफ टू बी स्टेट इट दैट येस नाउ यू बिलोंग टू दिंदू कैटेगरी